क्या हुआ ओए, परेशान क्यों है यार? तुझे पता है ना, घर वाले बाहर नहीं आने देते, मुझ पर सख्ती भी करते। यार तुझे पता है तेरा अब्बा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो तुझे घर से इसलिए बाहर नहीं निकलने देते ताकि तुझे कोई ख़तरा ना हो। यार ये तो कोई हल नहीं है, मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ, और शुक्र है तुझ जैसा दोस्त मिला जो मुझे टाइम देते। यार टाइम की क्या बोल रहा है, तेरे लिए जान आदर है, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरे पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा मैं। मैं शुक्र इसी बात का करता हूँ कि अल्लाह ने तुझे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। हाय किसी ने क्या खूब कहा है, नज़र ना लगे इस रिश्ते को ज़माने की, नज़र ना लगे इस रिश्ते को ज़माने की, हमारी भी तमन्ना है मौत तक दोस्ती निभाने की। हाय दिल की बात कर दी। अच्छा छोड़ इन बातों को, चल चलते तुझे घर छोड़ दूँ इससे पहले कि तेरे अब्बू को पता ना चल जाए। चल हेल्प हेल्प भाई, भाई मेरे भाई को कुछ हो गया, मदद करो भाई। हमें तो इसको मारने की सुपारी मिली थी, उसका क्या करें? इसको उठाओ और साथ लेके चलो, बाकी इसका बॉस से पूछते हैं क्या करना है। क्या बोल रहा है, तेरे लिए जान आदर है, जब तक मैं तेरे साथ हूं ना तेरे पे कोई मुसीबत नहीं आएगी।
हेलो एंथनी, आपने जिन लोगों का बोला था हमने उनको उठा लिया है, बताओ आप इनका क्या करना है? उनको मार के वहीं पे दफना दो। नजर ना लगे इस रिश्ते को जमाने की, नजर ना लगे इस रिश्ते को जमाने की, हमारी भी तमन्ना है मौत तक दोस्ती निभाने की।
मैंने भी तेरी तरह अपनों को खोया है। ये जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग शुरू हुई है। ये क्या हो रहा है? आप कौन हो और ये सब लोग कौन हैं? क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं? और मेरे दोस्त को तो इन्होंने मार दिया। और इस मास्क के पीछे कौन है?